रात का अंधेरा हो या सुबह का उजाला हो, चाहे लड़खड़ाते हुए चाहे किसी ने संभाला हो, बस यूं ही ये सफ़र चलता रहे। गुमनाम सी मंजिलें हों या पहचानी सी राहें हों, साथ किसी अनजाने का हो या अपनों की बाहें हो, बस यूं ही ये सफ़र चलता रहे। किसी ने हमसे बताया था कि जिंदगी भी एक सफ़र है, राहीगर गुजर जाते हैं पर ये राहें अमर हैं। इन्हीं राहों पे चलना है जब तक आँखों में सपने हैं, यूं ही सफ़र में रहना है जब तक ये सपने अपने हैं। ये वक्त का दरिया बहता है, हर पल हमसे कुछ कहता है, हम भी हर पल को सुनते रहे, हम भी वक्त संग बहते रहे, बस यूं ही ये सफ़र चलता रहे। कुछ लोग न जाने जीवन से कैसे निराश हो जाते हैं, एक राह रुक जाने पर जाने क्यों हताश हो जाते हैं। जीवन नाम विश्वास का है, उम्मीदों का है, आस का है, जिसमें कभी हार न माने ऐसे अबाधित प्रयास का है। ढूंढते चलना है उजालों को, चाहे यह सूरज ढलता रहे, सुननी है अपने दिल की हमें, चाहे जमाना कुछ कहता रहे, बस यूं ही ये सफ़र चलता रहे। कहाँ से आए हो तुम लोग? चलो खड़ा हो गए, लगी तो नहीं। अरे रे, कसम से बोल रहा हूँ ना, अरे वो ब्रेक नहीं है इसमें बिल्कुल। अरे करो, हाँ तू ही करेगा। हमने देखा ना, हमें पता है कि तुम्हारा कैसा रफ्तार। देख इसको करो, सही करो, सेंटर सेंटर करो। अभी मैंने डिसाइड किया है, ये आकाश जिद कर रहा था मुझे चलानी है स्कूटी, तो अब आपने चलाया गई नहीं, मैं बनाऊंगा, अब नहीं चलाएगा, मैंने बहुत मना किया था, अब तुम चलाओगे ठीक है? मैं चलाऊंगा, हाँ प्रोफेशनल ड्राइवर। और ढंग से चलाना, और ये जो पत्थर आते छोटे छोटे यहाँ पर, जरा धीरे, अभी भी तुम उल्टा ही चला रहे हो ठीक है? और ये धूल झाड़ लो। चलो मैं इनको थोड़ा धूल झाड़ता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ, आप लोग चिंता मत करना, बिल्कुल हम लोग सही है। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं, तेरी ओर चले। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं, तेरी ओर चले। न्यारा दगड़ियों, आपको ये पहाड़ दिख रहा है? इस पहाड़ की चोटी पर है बद्रास टेम्पल, तो हमको इस पूरे इतने ऊंचे पहाड़ की दूरी तय करनी है, इसमें लगेगा थोड़ा समय, तब तक हमारे साथ इस सुहाने सफर का आनंद लीजिए और ये प्यारा सा गाना गुनगुनाइए। हुसन पहाड़ों का, हुसन पहाड़ों का, क्या कहने के बारों महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। हुस्न पहाड़ों का, क्या कहने के बारों महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। रुत ये सुहानी है, रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है के सर्दी से डर कैसा, संग गरम जवानी है। रुत ये सुहानी है के सर्दी से डर कैसा,
संग गर्म जवानी है। उसने पहाड़ों का क्या कहने की बारों महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। तो मैं क्या कह रहा हूँ, दोस्तों, क्योंकि बहुत ऊंचाई है, स्कूटी चढ़ नहीं रही थी तो मुझे उतरना पड़ा। और अभी आकाश और शुभम आ रहे हैं, तो देखते हैं वो लोग सीधा ऊपर आ पाते हैं या उनको रुकना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आप भी बने रहना। क्या बात है यार, ले गए ये तो, मानना पड़ेगा, ले गया जाए। पहाड़ की गाड़ी में हवा लागी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। पहाड़ की गाड़ी में हवा लागी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। आहा ओहो, पहाड़ की गाड़ी में हवा लागी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। पहाड़ की गाड़ी में हवा लागी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। उतरो, हम दो पैदल जा रहे हैं हम लोग। ऐसा है कि स्कूटी में ये रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। स्कूटी थोड़ा नीचे भी होती है और जो बाइक होती है वो बढ़िया होती है, हैवी होती है, तो बाइक में तो चलो चल जाएगा, स्कूटी में थोड़ा सा आप उधर जाइए, ऐसे रास्तों में थोड़ा सा लेट पहुंचोगे तो बढ़िया है ना, जिंदगी रहेगी तो मज़ा आता है फिर जीने में। देखिए पहला साल है, नया साल है, एंड हैप्पी न्यू ईयर आप जो भी हैं, ठीक है, क्योंकि रिस्क क्यों लेना, आप भगवान के दर में आए हैं तो पैदल जाइए ना। यस यस यस, थैंक यू सो मच, और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो हम लोग अपनी जो स्कूटी है यहाँ पर रुक रहे हैं और यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं, आधा घंटा लगेगा लेकिन मैं भी पैदल के ही हक में हूँ। देखो एडवेंचर करने के लिए मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा, एडवेंचर जरूर करना चाहिए, लेकिन एडवेंचर करने के लिए जिंदगी तो होनी चाहिए, तो जिंदगी नहीं होगी तो फिर एडवेंचर कहाँ से होगा, है ना। तो कभी कभी डर के आगे जीत नहीं होती, कभी कभी डर के आगे मौत होती है, तो भैया वो एडवर्टाइजमेंट में अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि डर बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए डर को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम उसी डर की वजह से गलत काम नहीं करते, उसी डर की वजह से हम अपने घर वालों को जो हमसे प्यार करते हैं उनको हर्ट नहीं करते हैं, तो है ना। डरना एक अच्छी बात होती है लेकिन सही समय पर, ठीक है, और ये बिल्कुल सही समय है जब हमको डरना चाहिए। तो हम पैदल चल रहे हैं, बस 20-25 मिनट का या आधे घंटे का रास्ता होगा या एक घंटे का होगा, चलेगा यार। आपके अविनाश भाई को तो पैदल चलना ही पसंद है, क्यों, जय माता दी। तो हम जा रहे हैं बद्रास टेंपल, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, आपने देख ही लिया होगा सफ़र को, और ये मसूरी से सटा हुआ है, मसूरी में नहीं है। तो आपको अगर बद्रास टेंपल आना हो तो कैसे आना है, अगर आप मसूरी आते हो, जॉर्ज एवरेस्ट जाते हो, तो जॉर्ज एवरेस्ट के रास्ते पे ही पड़ता है इसका रास्ता, बद्रास टेंपल का रास्ता, लेकिन ये थोड़ा अलग है, बहुत ऊंचाई पे है। शायद आपको जब आप मसूरी में किसी को पूछोगे तो शायद वो बोलेंगे कि हम नए हैं, हमको रास्ता नहीं पता बद्रास टेंपल का, तो आप ऑटो वाले, टैक्सी वाले या वहीं के जो निवासी हैं उनसे पूछना। बहुत दूर है दोस्तों रास्ता, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी बाइक ईजिली जाएगी, बहुत ही अच्छे बाइकर आप होने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, स्कूटी हमने रेंट में की थी और बिल्कुल सही स्कूटी नहीं मिली। हाँ, क्यों, ब्रेक खराब, ब्रेक उनके सही नहीं थे, वो बंदा आया भी बनाने के लिए बीच में, इसीलिए हमने रिस्क नहीं लिया, और पैदल भी चलना था, पैदल ही मज़ा है यार, अगर आप वैसे यात्रा करते हो ना तो थोड़ा बहुत पैदल तो चलना चाहिए 20-25 मिनट। तो वही है, पहुँचने वाले। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोग देहरादून या मसूरी घूमने आते हो तो प्लीज़ बद्रास टेम्पल ज़रूर आना,
और अच्छी सी बाइक आप रेंट में लेना, एक बाइक में सिर्फ दो ही बेस्ट हैं, ज़्यादा मत बैठना प्लीज़, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। सुपर मंदिर है। यस, ये रहना बद्रास टेम्पल, कहते हैं आपको मंदिर वही है, वही रहना, ये रहना। वाह यार, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन अभी भी दूर है पैदल ना, आप देख रहे हो छोटा सा। तो हम लोग बस पहुँच गए बद्रास टेम्पल, यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत है। इन वादियों में टकरा चुके हैं यूं तो मुसाफिर हमसे कई, दिल ना लगाया हमने किसी से, किसे सुने हैं यूं तो कई। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है इश्क है क्या है, काफिराना सा है इश्क है क्या है। तो दोस्तों पैदल चलने में मज़ा आ रहा है और इस थकान से मुझे प्यार है क्योंकि आई लव आर्मी। हाँ बोलो, आई लव आर्मी, आई लव आर्मी। यस, ये आर्मी की तैयारी कर रहा है, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। क्यों यस भांजे, और मेरा भांजा आर्मी में जाएगा, खूब तैयारी करेगा, खूब दौड़ लगाएगा अगले हफ्ते से। क्यों? पक्का पक्का ना। और ये इसका सबूत है कि हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं और थक नहीं रहे हैं, मजा आ रहा है क्योंकि आई लव आर्मी, आई लव आर्मी। यूं तो मुसाफिर हमसे कई, दिल ना लगाया हमने किसी से, किसे सुने हैं यूं तो कई। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है इश्क है क्या है, काफिराना सा है इश्क है क्या है। चलो नहीं, ये थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए हम लोग इस पर चढ़ रहे हैं। नहीं नहीं इसके, हाँ हाँ। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं वापस, बद्रास टेंपल का सफर बहुत ही मजेदार रहा, और जब भी आप लोग आते हो मसूरी तो बद्रास टेंपल जरूर आइएगा, जरूर प्लान बनाइएगा क्योंकि बहुत मजा आता है यहाँ से, ऊंचाई से बड़ा मजा आता है। और यस, हम लोगों ने आधे तो हम लोग स्कूटी से आए थे, आधे हम लोग पैदल गए थे, और नीचे जहाँ पर हमने स्कूटी रोकी वहाँ तक हम लोग जा रहे हैं इस टेम्पो में। बट अगर आप लोग आते हो, अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप जरूर आइएगा। अरे अरे उत्तरी, ओ ओ ओ रे बाप रे, तो अगर आप लोग बाइक में आते हो तो अच्छी ड्राइविंग स्किल्स होनी चाहिए क्योंकि चढ़ाई है ना बहुत ज़्यादा, स्कूटी भी पॉसिबल है, आते हैं लोग, अच्छी ड्राइविंग स्किल्स होती है उनकी। और अगर आप लोग पैदल का सोच के आते हो पूरे नीचे तक जहाँ से स्टार्ट होता है, तो बच्चे हैं तो बहुत तंग करने वाले, क्योंकि बच्चे थक जाएंगे ना, 4-5-6 साल के जो बच्चे होते हैं वो थक जाएंगे, तो पैदल मत आइएगा, बहुत चढ़ाई है बहुत ज़्यादा। बट अगर बच्चे नहीं है, अगर बच्चे नहीं है तो आप रिस्क ले सकते हो पैदल का, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम है तो। बड़ा मज़ा आ रहा है ना, हमारी स्कूटी गायब हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल।
दिस इज नॉट पॉसिबल। मेरे ओ उत्तराखंड छोड़ न जाना हो, दगड़ियों मेरे ओ उत्तराखंड छोड़ न जाना हो, शहर नी बसना विदेश नी बसना, शहर नी बसना विदेश नी बसना, जाना न भूमि को छो, जाना न भूमि को छो, दगड़ियों मेरे ओ उत्तराखंड छोड़ न जाना हो, दगड़ियों मेरे ओ उत्तराखंड छोड़ न जाना हो। और संजीत भाई चाय बना रहे हैं हमारे लिए, और संजीत, संजीत इधर आओ। तो ये रहा संजीत, और संजीत गढ़वाली है, और संजीत चौहान पूरा नाम है, और आपके, आपका गांव यहीं पर है सामने, गांव का नाम है दुदली, दुदली सही बोल रहा हूँ, दुदली, दुदली, यस। तो हमारी हो चुकी है स्कूटी खराब, बिल्कुल चल नहीं रही है, बैटरी खत्म, रेंटेड थी, और संजीत भाई ने बोला है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो उनके गांव में हम जा सकते हैं, और थैंक यू सो मच इसके लिए, क्योंकि यहां से तो अभी स्कूटी ले जाना इम्पॉसिबल है अगर ठीक नहीं होती है तो ना। तो ऐसा पहले किसी के साथ हुआ है? हाँ जी, होता रहता है, होता रहता है, रात को भी होता है, पहुंच जाते हैं ऐसे तो। और कितने बजे तक यहाँ पर रहते हो? पाँच छह बजे तक। और यहाँ पर इंटरनेट बिल्कुल नहीं आता ना? नहीं। टीवी वीवी कुछ नहीं है तुम्हारे गांव में, मतलब टीवी कनेक्शन इंटरनेट कुछ नहीं, तो क्या करते हो फिर ऐसे जब इंटरनेट यूज करना हो, मजबूरी हो, तो कहाँ जाते हो? 8-8 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 8-8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अच्छा, मतलब आपके गाँव में कोई फोन यूज नहीं करता इंटरनेट? क्या बात है, तो कोई बात नहीं, जल्द आ जाएगा। गवर्नमेंट काम कर रही है इस पे? हाँ जी कर रही है ना, वहाँ बोलो ना, गवर्नमेंट काम कर रही है। तो और गढ़वाली समझ में आती है? हाँ जी। मम्मी बोलती है? मम्मी तो जौनपुरी बोलती है। जौनपुरी, ठीक है, मम्मी जौनपुरी है संजीत की। अगर हम लोगों को कुछ मिला नहीं और स्कूटी सही नहीं हुई तो फिर हम लोगों को संजीत के गाँव जाना पड़ेगा दुदली, और बस, और क्या कर सकते हैं। तो आप जब भी आप बद्रास टेंपल आते हो तो प्लीज़ 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 सही से आना, और बिल्कुल अच्छी तरीके से जानकारी लेकर के आना, सोच समझ करके सब कुछ ट्रैवलिंग करना। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। और चलो फिर हम लोग मैगी खाते हैं, देखते हैं क्या होता है। हुसने पहाड़ों का, उसने पहाड़ों का लिया वरे, मैगी खा लिया वरे, चाय भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं संजीत को थैंक यू बोलूँगा, उन्होंने अपने गांव चलने के लिए कहा है ना संजीत, तो थैंक यू सो मच। हाँ, क्योंकि ना यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, तो मेरे साथ जो आ रखे मेरे कज़न्स, उनकी, उनके घर वाले परेशान हो जाएंगे, तो जा रहे वरना अंधेरा हो जाएगा, और अगर कुछ दिक्कत होगी तो सीधा दुदली गाँव। तो थैंक यू सो मच यार, अपना ख्याल रखना। और संजीत बहुत ज़्यादा मेहनती है, और यहाँ से इतनी दूर से मसूरी पढ़ने के लिए जाता है, तो आजकल तो लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम कैसे करते हो, या तो इंटरनेट ही नहीं आता? नहीं, वो आजकल साइड ना, आजकल नहीं, क्या चीज़ साइड चल जाते हैं ना, रिश्तेदार है उस साइड ना। अच्छा अच्छा, तो उधर चल जाते हैं, दूर जाना पड़ता है ना। और आपके गांव में बिल्कुल ना इंटरनेट ना टीवी को, कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं। तो जल्दी हो जाएगा ठीक? हाँ जी। चलो यार, थैंक यू सो मच। हाँ, ये बाजार मंदिर बहुत ही अच्छी जगह है, आप आ सकते हो, लेकिन अपनी गाड़ी पे आना और रेंट की देख के संभाल के आना है, चढ़ाई भी है अच्छे से, और ड्राइविंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ना। ड्राइविंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। म्यारा दगड़ियों, मसूरी में नवंबर महीने से लेकर फरवरी के बीच सूर्यास्त के बाद एक अनोखा नजारा आसमान में प्रकट होता है, इसी रेखा को विंटर लाइन कहते हैं। आसमान में बने इस रेड, येलो, पिंक और ऑरेंज कलर से बना ये अद्भुत नज़ारा जो भी देखता है ना, बस देखता ही जाता है। कहते हैं दुनिया में विंटर लाइन का नज़ारा सिर्फ दो ही जगहों पर देखने को मिलता है, एक जहां से हम देख रहे हैं मसूरी की घाटी, और दूसरा स्विट्जरलैंड। आपका क्या विचार है कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये था हमारा बद्रास टेम्पल का सफ़र, और अभी तक सफ़र बना ही हुआ है क्योंकि हमारी स्कूटी
ख़राब हो गई है, किकने लग रही है। तो लेकिन खुश हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ तो तरीका मिल ही जाएगा। और देखो अंधेरा होने वाला है। आप लोगों को यही कहूँगा कि जब भी ऐसी कुछ मुसीबतें आती है तो चेहरे पे स्माइल रखना। और सच बताऊँ मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, कोई टेंशन नहीं हो रही है, बस सब बढ़िया हो जाएगा और कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो हो ही जाएगा। देखते हैं क्या होता है। बहुत चढ़ाई है ना, तो वहाँ तक स्कूटी को ले जा भी नहीं सकते धक्के मार करके, बहुत चढ़ाई है। आप पीछे देख रहे हो वो पहाड़ी जो आपको पीछे दिख रही है, उसके टॉप पे, इधर देखो ये वाली चढ़ाई, ये टॉप पे जाना हमको। तो यहाँ पर स्कूटी को ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और अभी यहाँ पर मैं इन वादियों का आनंद ले रहा हूँ। पहाड़ों में खास छुयो देहरादून घाटी, हो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों में, बहुत ही खूबसूरत नजारा। लेकिन हमारी स्कूटी जो रेंटेड है ये खराब हो चुकी है और अभी 6:30 हो चुके हैं। आप देख लो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। हम लोग अभी भी वही है ना, ये बदराज में है ना। तो भैया हम लोग तो फंस चुके हैं बुरी तरीके से। कोई बात नहीं, ये एक्सपीरियंस भी ले लिया। तो रात हो चुकी है, आकाश और शुभम को हमने ऊपर भेज दिया है। आपको देख रहे हो टॉप, वहां से हम लोग आए और यहाँ पर हमारी स्कूटी खराब। अब क्या करें, मैंने आकाश और अमन को भेज दिया है स्कूटी में, मैंने कहा आप लोग जाओ और कुछ लेके आना, कुछ इंतजाम करके आना। देखते हैं कब तक आते हैं वो लोग। और हम लोग आगे जा रहे हैं, वहाँ पर लाइट दिख रही है, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर कुछ आवाज आ रही है, बीच से बैल आ रहे हैं, यहाँ पर गांव भी है ना आसपास में। अरे हम लोग कब जाएंगे मसूरी, घर कैसे पहुँचेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना सुंदर नजारा है ना, कसम से मजा आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, ये जो लाइट दिख रही है आपको, ये देहरादून है। अभी देखो देहरादून चमकेगा अभी कुछ देर बाद। फोन में अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है लेकिन काफी सुंदर है। क्या करें, मजा आ रहा है ना। और ये एक्सपीरियंस पहले मिला कभी? पहले नहीं मिला, बस गांव में घूमा रात को। अच्छा, बट ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर। ऐसा हो गया ना कि ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं स्कूटी में, क्योंकि दोनों तरफ चढ़ाई है तो हम बीच में। हमने रस्सी भी बांधने की कोशिश करी लेकिन जब स्कूटी को आगे ले जा रहे हैं ना, पहली वाली जो चल रही है तो दूसरी वाली के खांचे भी बाहर आ रहे हैं। तो पता नहीं क्या दे रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई टॉय दे रखा है हमको चलाने के लिए। तो वो भी नहीं कर सकते, करी थी सारे आइडियाज लड़ा है हमने। तो अब एक ही आइडिया है हमारे पास कि जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो और खुश रहो। तो बस खुश है, सारे आइडियाज हमने लड़ा लिए। हमने रस्सी भी बांधी, उस पर कपड़ा ही बांधा बाइक पे, बट नहीं खींच रही है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। तो अब एक ही आइडिया है, वो है सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो और खुश रहो। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग गुजर रहे हैं बाइक में कार में, लेकिन आपके नेगी भाई की मदद कोई नहीं कर रहा है देख लो। बट कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं, मैं खुद करूँगा अपनी मदद। हमने क्या सोचा था, हम कहाँ का ब्लॉग बनाएंगे? हमने सोचा बजराज से जाती है हम सीधा जॉर्जिया वैसे बनाएंगे, पर स्कूटी ने साथ छोड़ दिया। स्कूटी ने बोला नहीं तुम लोग यहीं रहो रात भर और मैं नहीं जाना चाहती हूँ जॉर्ज एवरेस्ट। नया एडवेंचर कर रहा है। यस, यहाँ पर भी लोग फंसे हुए भाई। आप सब फंसे हुए हो? हम लोग ना लकी हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। नहीं सच में हम किस्मत वाले हैं बहुत। क्योंकि मैं बताता हूँ मैंने क्यों बोला लकी हम लोग। क्योंकि हम लोग यहाँ से ना सीख के जाएंगे, ठीक है, और शायद कई लोगों को सीखने का मौका नहीं मिलता कि टोका से करवानी गाड़ी। नहीं, हम लोग ये सीखेंगे यहाँ से कि जब भी ऐसे सिचुएशन फंसते हैं तो हम लोग कैसे खुश रहते हैं। तो शायद कई लोगों को हमें सिखा सकते हैं। भाई बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। अमन ही है? हाँ अमन, अमन 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 आकाश कहाँ है? ऊपर है, ऊपर। हम लोग भयंकर जगह आ गए।
तो मैकेनिक आ चुके हैं हमारे। कैसा ये भैया जिनसे हमने बाइक ली थी भैया? हाँ भाई मैं हूँ भाई। अरे यार अच्छा तो मतलब जो ये वाली स्कूटी है बैटरी उसमें डाल के इसकी बैटरी हम लोग इसमें डाल रहे हैं तो स्टार्ट रहने देंगे इसमें जो है बंदा चला जाएगा वो वाली बैटरी तब पे चार्ज भी हो जाएगी इसमें। एक ही बार मार दिया देगा तुम सेल्फ। तो थैंक गॉड हमारी स्कूटी अब काम करने लग गई है। जो भैया थे ना जिनसे हमने ये किराए में ली थी रेंट में वो आए और उन्होंने ठीक कर दिया, बैटरी चेंज करी, बैटरी चार्ज करी, जो भी होता है। और अब हम लोग निकल रहे हैं तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। मैंने कहा था ना काम हो जाएगा, बस घबराना नहीं चाहिए, सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा ठीक है ठीक है। तो आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए हैं मसूरी सेफली और हमने एक ओयो का रूम ले लिया है 1000 का, आप देख सकते हो। और अब ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये जर्नी। थोड़ा बहुत दिक्कत होती है लेकिन उन दिक्कतों से लड़ना ही तो जिंदगी है, क्यों बिल्कुल ना मोटिवेशनल ना मोटिवेशनल। अपना ख्याल रखना गाइस, हम बिल्कुल ठीक है। राशि, रुद्रांश, देवांशी, मम्मी पापा सब बढ़िया हैं। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। क्या अपना दोस्त ये हमारे साथ ओयो में रहेगा आज? कौन है? स्पाइडरमैन। कौन है? आतंकवादी। कौन दिखा? आतंकवादी कौन है? ये मेरा पासपोर्ट है, एंट्रेंस नहीं करना ठीक है।